इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। भास्कर न्यूज टॉक, 150 बेरोजगारों को मिली सीटी की निःशुल्क कोचिंग। कलेक्टर के मिशन प्रेरणा अभियान में अब रीट की कोचिंग कराने की मांग। शिक्षा विभाग बड़ी न्यूज भास्कर, भर्तियों में देरी, 4 महीने में शिक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या में 31,000 की बढ़ोतरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग, अगस्त में 78,000 पद थे खाली, अब खाली पदों की संख्या 1.09 लाख पहुंची। शिक्षा विभाग में बेरोजगार युवा भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा विभाग की भर्तियां विवादों में हैं। उधर विभाग में खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर में जारी रिपोर्ट को देखा जाए तो पिछले 4 महीने में यहाँ खाली पदों की संख्या में 31,000 की बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ खास बात यह है कि विभाग में नए पद भी सृजित किए गए हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा के लिए वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों भर्तियों के पूरा होने के बाद भी खाली पदों की संख्या काफी अधिक रहेगी। स्कूल व्याख्याता के 6,000, वरिष्ठ अध्यापक के 9,760 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। स्कूल व्याख्याता के 6,000, सेकेंड ग्रेड के 9,760 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दोनों भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है। पेपर लीक के चलते वरिष्ठ अध्यापक पर भर्ती में एक पेपर 29 जनवरी को होना है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए 10,157 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी हो रही है। इसके अलावा पीटीआई प्रयोगशाला, सहायक लाइब्रेरियन की भर्तियां जारी है। यह खाली पदों का गणित। अगस्त में माध्यमिक शिक्षा में अगस्त में जारी रिपोर्ट में कुल पद बताए गए थे, इनमें खाली पदों की संख्या इतनी थी। अब दिसंबर में जारी रिपोर्ट में कुल इतने पद बताए गए। खाली पदों की संख्या वर्तमान में 1,09,462 है। इस तरह से यहाँ खाली पदों की संख्या में 4 महीने में 30,910 की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के खाली पद शामिल नहीं, खाली 1.09 लाख पदों में प्रारंभिक शिक्षा के खाली पद शामिल नहीं है। इनकी गणना अलग से की जाती है। प्रारंभिक शिक्षा के तहत थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 48,000 पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग में 1 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इन भर्तियों के पूरा होने के बाद विभाग में खाली पदों की समस्या खत्म हो जाएगी। बीडी कल्ला का बयान। खाली पदों की लिस्ट वर्तमान में स्कूल व्याख्याता 13,201, सेकेंड ग्रेड के 20,475, नवज्योति पेपर लीक दोषियों पर सख्त कार्रवाई, बजट में नया टैक्स नहीं लगाने के प्रस्ताव दिए, मुख्यमंत्री का बयान। नवज्योति, नकल गिरोह ने कर डाला नौकरियों में पूरी तरह फर्जीवाड़ा, निजी क्षेत्र के लिए फर्जी डिग्रियां, सरकारी नौकरी के पर्चे आउट, राजस्थान पत्रिका जयपुर। पेपर लीक मामले में छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा, पुलिस की मदद से आरोपी सुरक्षित, किरोड़ी मीणा का बयान। एसओजी ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया सुरेश डाका और भूपेंद्र सारण को। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के मंत्री ने अपनी सरकार को घेरा, सारे पेपर आउट हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड और अन्य भर्तियों के भी। पेपर लीक कांड पर सरकार की बहुत बड़ी विफलता, हम एक भी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन
गिरोह के सरगना पर गिरीगाज हो रहे बड़े खुलासे। बना बड़ा प्लान, जल्दी होगी नौ भर्ती परीक्षाएं, सरकार के रडार पर कोचिंग सेंटर्स। फाइटर न्यूज श्रीगंगानगर। कांस्टेबल भर्ती 2021 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अग्रिम प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर 2 जनवरी तक। प्रतापगढ़ कांस्टेबल भर्ती 2021। थर्ड ग्रेड तबादला न्यूज। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सेकेंड ग्रेड पेपर आउट, थर्ड ग्रेड भर्ती और अन्य भर्तियों को लेकर। फायरमैन शारीरिक दक्षता व प्रायोगिक परीक्षा, 20 आवेदकों में से 18 पहुंचे, एक हाइट में अनफिट हुआ। गंगानगर। मुख्यमंत्री की घोषणा, मेडिकल कॉलेजों में 685 पद सर्जित। अजयपुर युवा शिक्षा अवसर। वीडियो भर्ती में खेल कोटे के परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी, एसआई भर्ती की साक्षात्कार तिथि जारी। आरपीएससी शिक्षा विभाग की गफलत, 370 का स्थायी कर्नाटका। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर। राजस्थान सरकार का पोर्टल खुला, छात्रवृत्ति से लेकर स्कूटी तक के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सीईटी 7 और 8 जनवरी को। कोटा युवा शिक्षा अवसर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। सीईटी यूजी 7-8 जनवरी को। प्रवेश पत्र कल से अभ्यर्थी कर सकेंगे डाउनलोड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी। अजमेर युवा शिक्षा अवसर। सहायक सांख्यिक अधिकारी परीक्षा 2021 का परिणाम जारी। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022। प्रदेश भर से 3.76 लाख अभ्यर्थियों के अनयूज पेपर आरपीएससी पहुंचे, क्योंकि पेपर आउट हो गया था, पेपर वापस आरपीएससी कार्यालय पहुंचे। 29 जनवरी 2023 को होगी अब एग्जाम। अजमेर आरपीएससी। आरपीएससी में स्थगित परीक्षा के पेपर पहुंचे। बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर किया प्रदर्शन, पेपर लीक का विरोध। राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, भूपेंद्र की पत्नी, भाई की पत्नी व अन्य 3 दिन रिमांड पर। 4 महीने पहले 1.5 करोड़ में बगरू में प्लॉट खरीदा था। थर्ड ग्रेड ट्रांसफर न्यूज। कमरा नंबर 303 था नकल बस का स्ट्रॉन्ग रूम। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में खुलासा। आरोपियों का गुजरात कनेक्शन सामने आया। गुड्डा ने अपनी सरकार को घेरा, चौधरी ने सीएमओ पर झड़े आरोप। रीड के बाद सेकंड ग्रेड का भी पेपर आउट। किरोड़ी बोले, आरपीएससी से हुआ लीक, बेनिवार सीबीआई जांच करवाए। यूजीसी की सख्त गाइडलाइन भी बेसर। 46.3% विद्यार्थी बोले कॉलेज हॉस्टल में इसी सत्र में हुई उनकी रैंकिंग। राजस्थान पत्रिका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा में बढ़ जाएंगे केंद्र। इग्नू गार्गी पुरस्कार। नवज्योति न्यूज। सीटेट शुरू, 7 फरवरी तक चलेगी। अजमेर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, जोधपुर का कागल राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत। नागौर भास्कर न्यूज। सत्र 2023-24 से 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं वर्चुअल स्कूलों में कर सकेंगे पढ़ाई। डूंगरपुर भास्कर न्यूज। बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 80 नंबर का पेपर अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में करना होगा। शिक्षा विभाग नहीं दे सका, जिले के 5वीं 8वीं पास कर चुके 1,08,000 स्टूडेंट्स की मूल अंक तालिका प्रमाण पत्र। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। सर्दी की छुट्टियों में बच्चों को स्कूल बुलाने पर रद्द हो सकती है निजी स्कूलों की मान्यता।